अगर आपका भी कंप्यूटर स्टार्ट होने में या शटडाउन होने में टाइम लगाता है और आपको ये प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, इससे बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकली के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो किसी भी कंप्यूटर को स्टार्टअप में जो बूट बोलते हैं हम लोग, उसमें दिक परेशानी क्यों होती है? तो सबसे ज़्यादा ये कि बूट के टाइम में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि स्टार्टअप कंप्यूटर के स्टार्टअप के साथ ही रन होने लगते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं। तो इसलिए पीसी के कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाइए और उसके बाद में आपके सामने में कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, वहां से आप टास्क मैनेजर सेलेक्ट कर लीजिए और टास्क मैनेजर में जाने के बाद में स्टार्टअप पे जाइए और जो जो एप्लीकेशन जो आपका अनवांटेड एप्लीकेशन है और जिनका हाई इम्पैक्ट है स्टार्टअप पे, उनको आप डिसेबल कर दीजिए। तो वो स्टार्टअप के टाइम में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो आपका पीसी जो होगा वो स्मूथली बूट होगा और पहले के मुकाबले थोड़ा स्पीड चलेगा। चलिए बात करें एक और फीचर की, तो आपको सिंपली स्टार्ट बटन में जाना है, एमएस कॉन्फिग टाइप करना है। एमएस कॉन्फिग में जाने के बाद में एमएस कॉन्फिग में जाइए, एमएस कॉन्फिग में जाने के बाद प्रोसेसर्स, और वहां से नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को मैक्सिमम कर दीजिए। आपके पीसी में जितने भी हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनको मैक्सिमम पे कर दीजिए। तो इससे पावर कंजप्शन बढ़ जाता है थोड़ा, हीटिंग इश्यू ही, पीसी आपका अगर लैपटॉप है तो थोड़ा ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बट पीसी का जो रनिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। स्टार्टअप और शटडाउन जो है वो भी बिल्कुल स्मूथली होगा, पहले के मुकाबले बहुत तेज होगा, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा, आपके पीसी में ये काम करता है कि नहीं करता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस।